नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। डाक कावड़ की एक गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दिए जाने से एक कावड़िया घायल हो गया। घायल कावड़िए को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार दिलाने के बाद उसके साथी उसे लेकर रवाना हो गए। रोहतक जनपद के गांव मोखरा मदीना के डाक कावड़िए DCM में सवार होकर हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शामली होते हुए जा रहे थे। जब वे सुभाष चौक पर शिव मूर्ति के निकट पहुंचे, तो शिव मूर्ति की परिक्रमा के दौरान पीछे से आ रही एक अन्य डाक कावड़ की गाड़ी द्वारा टक्कर मार दिए जाने से DCM में बंधी सीढ़ी पर खड़ा जयवीर पुत्र ओम प्रकाश सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कावड़िए को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उपचार दिलाने के बाद उसके साथी उसे लेकर रवाना हो गए। हरिद्वार से मोखरा, जिला रोहतक, हरियाणा। पीछे आगे से गाड़ी चल रही थी, पीछे से किसी गाड़ी वाले ने आके धकेल दिया। छोटा टेम्पो था। चोट तो पैर के भी एक्सरे वगैरह होगा, फ्रैक्चर कितना फ्रैक्चर है पता लगेगा। दिल्ली शामली रेलवे मार्ग पर बुढ़ाना फाटक के निकट रेलवे ट्रैक बदलने के कारण कई गाड़ियों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को नगर के बुढ़ाना रोड रेलवे फाटक के निकट स्थित एक केबिन पर ट्रैक बदला गया, जिसके कारण दिल्ली शामली रेलवे लाइन पर कई घंटों तक गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहा। उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल द्वारा दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे ट्रैक को बदलवाया जा रहा है। पुरानी रेलवे लाइन तथा लकड़ी के स्पिलरों को हटाकर उनके स्थान पर सीमेंट के स्पिलर डाले जा रहे हैं। कार्य पूरा हो जाने पर इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। रेलवे लाइन परिवर्तन के इंचार्ज अरशद अहमद ने बताया कि इस मार्ग पर 1980 में छोटे लाइनों के लिए ट्रैक बिछाया गया था, जिसे अब बदला जा रहा है, जो 50 वर्षों तक सुरक्षित चलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक दिल्ली शामली मार्ग पर 36 स्थानों पर ट्रैक बदला जा चुका है। आज 37वां ट्रैक बदला जा रहा है और जल्द 2 और ट्रैक बदले जाएंगे, जिसमें गाड़ियों के परिचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। कावड़ सेवा शिविर में विवाद के बाद एक कावड़िए ने सेवादार को त्रिशूल घोपकर घायल कर दिया। उन ब्लॉक के गांव हरसन रेढ़ा माजरा निवासी सोनू पुत्र जयपाल हरिद्वार से कावड़ लेकर आया था। गत रात वह गांव में ही लगे कावड़ शिविर में विश्राम करने के लिए रुक गया, जहां रात्रि में उसके शिविर में सेवादार के रूप में कार्य कर रहे गांव के ही प्रवेश पुत्र फेरू सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सोनू ने कावड़ के साथ बांधकर लाए गए त्रिशूल को प्रवेश के अंदर घोप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जी, मंदिर के अंदर कावड़ियों की सेवा के लिए थोड़ी बल्ली लगानी चाहता था, जिसमें कावड़ी झूलती है। उसके बाद में एक सोनू नाम का लड़का था, तो कावड़ वाला, लेकिन ये पता नहीं उसको कौन सी रंजिश थी, कैसे थे आए। इसको उससे चाबी मांगी जी कमरे की, कि मेरे से चाबी दो। उसे बैत होकर दारू या किस नशे में था ये मालूम नहीं, तो तेज धार हथियार से हमला आया, काफ़ी जख्म है। डॉक्टर ने बताया अभी होश आया, जब भी मेडिकल में लिया गया सरकारी में। मंदिर की सेवा करने के लिए बल्ली गाड़ने थी, जिसके ऊपर कावड़ धुला सके। भोले आ गए, रात को भोले आने थे गांव के, शाम से का टाइम था 8-1 बजे का। हमने उस भोले पे तो चाबी मांगी, उसने हमारे को चाबी नहीं दी। बदतमीजी से गाली पाड़ी लग गया देना। मैं बोला उसको, दारू सुल्फा फुल पी रखा था उसने। मैं बोला उसको, मगर भैया आप भोले हो फिलहाल, इसलिए आपको हम कुछ नहीं कह रहे, आप गाड़ी भी दे लोगे वो भी वहाँ पर। जैसे मैं घर से बाहर निकला, उसकी माँ ने और उसके पिता ने मुझे पकड़ा, और सोनू उस लड़के का नाम है, उसने मेरे को त्रिशूल ऐसे घाला जी। मैंने ये इरादा नहीं था, ना हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश भी नहीं थी, कि जैसे परिवारों में पुरानी रंजिश हो, ऐसा कोई रंजिशबाजी बात नहीं। इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खाना, सब कुछ इकट्ठा, गाँव में जैसे लड़के रहते हैं ऐसे रहते थे। और ये त्रिशूल डॉक्टर ने 3 इंच अंदर बताया। न्यूज सेवन में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज सेवन। प्रदेश का HP ऑथराइज्ड श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम
एचपी की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर नेट आइडिया सेंटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम फर्स्ट फ्लोर कैराना रोड शामली सेल काउंटर नंबर 9412127369837017736 सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। सबसे पहले तो मैं अपने बन्नतवासियों को कस्बावासियों को और तमाम क्षेत्रवासियों को पूरे क्षेत्रवासियों को देशवासियों को बन्नत नगर पंचायत की तरफ से शिवरात्रि पर्व का ये जो त्यौहार है उसकी बहुत ही दिली मुबारकबाद देता हूँ। सभी को ये शिवरात्रि पर्व त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, सबकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आए और कामयाबी लेकर आए। शिवरात्रि की पावन बेला आने वाली है, श्रावण मास चल रहा है, ये पवित्र माह है। इस पवित्र माह में व्रत करने वाले, यात्रा करने वाले, गंगा जल लाने वाले, दवाइयों से यात्रियों की सेवा करने वाले, खाद्य पदार्थ आदि के कैंप लगाने वाले सभी शिव भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा पावन महीना साल में एक बार आता है जब हमें शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है, अतः मैं सबसे निवेदन करता हूँ शहरवासियों से शिव भक्तों की सेवा करने में बढ़ चढ़ कर सेवा प्रदान करें। महाशिवरात्रि के पवन पर्व पर सभी नगरवासियों को युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं। आपका महाशिवरात्रि का त्यौहार मंगलमय हो ये हमारी आशा है। शिवरात्रि महापर्व पर मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को, सभी कांवड़ यात्रियों को, सभी शहरियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रियों की सेवा करने में लगे थे, वास्तव में बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ और बहुत अच्छा लगा कि इस महापर्व शिवरात्रि पर सब नौजवान भाई कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। मेरी ओर से सभी शहरियों को पुनः, सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये मेरी बहुत दिली इच्छा है कि शामली जैसे विकसित कस्बे में कुछ लोगों तक ही प्रेस क्लब ऑफ शामली सीमित होकर रह गया है, इसे एक विस्तृत रूप देना मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता मेरी मीडिया सेंटर को हाईटेक प्रणाली से पद्धति से जोड़ना। आप मुझे वोट दें, मुझे सपोर्ट दें, मेरा विजय होना आपके हाथ में है। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन डाक कांवड़ के नाम रहा। नगर के दोनों प्रमुख मार्गों पर डाक कांवड़ों की धूम मची रही। महाशिवरात्रि का पर्व आते ही पैदल चलने वाले कांवड़िए अपने गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आते ही पैदल चलने वाले कांवड़िए अपने गंतव्यों तक पहुंच चुके हैं, जबकि डाक कांवड़ियों के आने का सिलसिला बुधवार को शुरू हो गया था। नगर के मुख्य मार्ग MSK रोड और रेल पार बाईपास पर बोलबम के नारों का जयघोष करते हुए डाक कांवड़िए गुरुवार को अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते रहे। दिन भर नगर के मुख्य मार्गों पर डाक कांवड़ियों की सीटियां तथा हॉर्न के साथ डीजे पर बज रहे भगवान भोले शंकर के भजन गूंजते रहे। 24 तारीख को आज सुबह से निकले थे और रात को हमने जरा 1 बजे उठाया था, फिर हम सीधे लुड़की से पीछे रुके थे पुल पर वहाँ पर, और हमने रास्ते में भी बहुत अच्छा लगा, अच्छा मौसम था, रास्ते में बारिश भी हुई और अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, चलते रहे बाबा के दरबार में। ये भक्कूवाड़ा मंदिर है, हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जल चढ़ाने आज आए हैं, कल हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। शामली के रहने वाले हैं, टंकी कॉलोनी के। जल जी 21 तारीख में हम गए थे हरिद्वार, वहाँ से 22 तारीख में हमने नीलकंठ की चढ़ाई करी और ये 23 तारीख में जल उठाया और 4 दिन में पूरा महादेव पे चढ़ा के अब यहाँ पे आए हैं भक्कूवाड़े मंदिर में। हाँ, और हमने तिरोसी का जल तो हमने वहीं पे चढ़ा दिया और आज यहाँ 14 बताई गई है 4 बजे के बाद में, कल 4 बजे 14 का जल चढ़ा के जब अपने घर को प्रस्थान करेंगे हम भाई। उसमें गए थे 24 तारीख में, बढ़िया रही है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। शामली तो अभी आया 4 बजे, जलपुरा महादेव भी चढ़ा गया और यहाँ पर भी चढ़ाएंगे भक्कूवाड़े मंदिर पे। पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा युवक टहनी टूट जाने से नीचे गिरकर घायल हो गया।
घायल संजय को गंभीर अवस्था में एक निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर निवासी संजय गांव में ही स्थित बाग में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था कि अचानक टहनी टूट जाने से वह नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। संजय को गंभीर घायल अवस्था में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जमालपुर माम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसके टहनी टूट जाने की वजह मैं नीचे गिर गया, बस ये पैर में थोड़ा मांस फट गया। दुकान में चोरी कर रहा एक युवक भीड़ ने रंगे हाथों दबोच लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बुढ़ाना रोड स्थित सैनिटरी के एक सामान की दुकान के गोदाम में गुरुवार को दो युवकों को चोरी करते हुए दुकान मालिक व आसपास व्यापारियों ने रंगे हाथ दबोच लिया। अनीस नामक एक युवक भागने में सफल रहा, जबकि वसीम निवासी मोलक कलंदर शाह मौके पर ही पकड़ा गया, जिसकी भीड़ द्वारा जमकर धुनाई की गई। वसीम ने बताया कि वह अब तक चोरी किया गया लगभग 6000 रुपए का लोहे का सामान मोहसिन नामक कबाड़े को बेच चुका है। बाद में कोतवाली पुलिस को सूचना देकर आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वसीम कलंदर में लो, कलंदर में लो, एक ने उठा था जी। कबड्डी की दुकान पे बेच देते। किसके बेच चेक रहे? इसका नाम है जी मोहसिन। मोहसिन कौन सा बोलेगा? मोहसिन कलंदर में लगा ही है जी। क्या आदमी और कौन कौन है जी? एक लुंडा था जी। क्या नाम है? अनीस। घटना हुई के बराबर में दरवाजा बंद था अंदर गैलरी का, और यो आया, उसने कट्टर कोली भरा और लेकर भाग लिया। भाइयों ने देखा लेडे में डाल के, वे उसके पीछे भागे, इतने लड़ा तेज भगाया, फिर उसे पड़ गया। यहाँ लोहे का माल था, निप्पल होगा 6000 रुपये कट्टा लगभग। बोलने बहुत वारदात हुई ऐसी, किसी का सिलेंडर उठ गया, किसी की बैटरी उठ गई, हमारे पड़ोसी डॉक्टर है उसकी 6 बैटरी उठ गई। रेडे में से सब रेडे में धरकर सामान भागते हुए देखा, फिर हमारा भाई और जिया जी सामान इसके पीछे भाग गए, फिर मैं पकड़ गया इसे। न्यूज 7 में चला है व्यक्ति छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया सटर के ऑथराइज जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर कैलाना रोड शामली, सेल काउंटर नंबर 9412127369837071736, सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। सबसे पहले तो मैं अपने बनतवासियों को, कस्बा वासियों को और तमाम क्षेत्रवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को बनत नगर पंचायत की तरफ से शिवरात्रि पर्व का ये जो त्यौहार है उसकी बहुत ही दिली मुबारकबाद देता हूँ। सभी को ये शिवरात्रि पर्व त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, सबकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आए और कामयाबी लेकर आए। शिवरात्रि की पावन बेला आने वाली है, श्रावण मास चल रहा है, ये पवित्र माह है। इस पवित्र माह में व्रत करने वाले, यात्रा करने वाले, गंगा जल लाने वाले, दवाइयों से यात्रियों की सेवा करने वाले, खाद्य पदार्थ आदि के कैंप लगाने वाले सभी शिव भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा पावन महीना साल में एक बार आता है जब हमें शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है, अतः मैं सबसे निवेदन करता हूं शहरवासियों से, शिव भक्तों की सेवा करने में बढ़ चढ़ कर सेवा प्रदान करें। महाशिवरात्रि के पवन पर्व पर सभी नगरवासियों को युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुभकामनाएं। आपका महाशिवरात्रि का त्यौहार मंगलमय हो, ये हमारी आशा है। शिवरात्रि महापर्व पर मेरी ओर से सभी श्रद्धालुओं को, सभी कांवड़ यात्रियों को, सभी शहरियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांवड़ यात्रियों की सेवा करने में लगे थे, वास्तव में बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ और बहुत अच्छा लगा कि इस महापर्व पर महापर्व शिवरात्रि पर सब नौजवान भाई कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। मेरी ओर से सभी शहरियों को पुनः, सभी क्षेत्रवासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरी बहुत दिली इच्छा है कि शामली जैसे विकसित कस्बे में कुछ लोगों तक ही प्रेस क्लब ऑफ शामली सीमित होकर रह गया है, इसे एक विस्तृत रूप देना मेरी प्राथमिकता होगी।
दूसरी प्राथमिकता मेरी मीडिया सेंटर को हाईटेक प्रणाली से पद्धति से जोड़ना। आप मुझे वोट दें, मुझे सपोर्ट दें, मेरा विजय होना आपके हाथ में है। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक किया जाएगा, वहीं निकटवर्ती कस्बा बनत में रुद्राक्ष के पेड़ पर जलाभिषेक करने के बाद 101 दीप जलाकर पेड़ की पूजा अर्चना की जाएगी। कस्बा बनत के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी अरविंद उर्फ बिंदु ने लगभग 12 वर्ष पहले कस्बा बनत स्थित अपने घर के प्रांगण में रुद्राक्ष के वृक्ष को लगाया था, जो अब काफी फल फूल चुका है। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां आम श्रद्धालु विभिन्न शिव मंदिरों में जाकर भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, वहीं बनत के लोग रुद्राक्ष के इस पेड़ में ही भगवान शिव को विराजमान मानते हैं और रुद्राक्ष के वृक्ष पर ही जलाभिषेक करते हैं। यहाँ एक तो रुद्राक्ष का पेड़ है, फिर शिव जी की पिंड, इसलिए अब हमारा मन लग जाए यहाँ बैठ कर। बस नहीं, पूजा करने के बाद जैसा हम पूजा करने नाम है तो हमारा मन घरों लगता नुजी करे जना नहाओ और पहले वहाँ जाओ, बेचैनी हो जाएगा आत्मा अपने आप ही तड़की हुई। बस इस बार शिवरात्रि पर कस्बे के लोग 101 दीपक जलाकर रुद्राक्ष के पेड़ को रोशन कर उसे दिवाली का रूप देंगे। रुद्राक्ष के पेड़ पर जलाभिषेक शुक्रवार सुबह प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरी रात जारी रहेगा। यहाँ पे पूजा एक भक्ति के उद्देश्य से होती है कि किसी के अंदर मन में भक्ति हो तो तभी पूजा होती है। ऐसे यहाँ पे भक्ति के लिए पूजा करते हैं, मन में शांति हो उसी के लिए यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। सबसे प्रथम तो यही है कि सर्वप्रथम कि यहाँ पे एक रुद्राक्ष का पेड़ है जिससे शांति मिलती है। यहाँ पे पूजा करते हैं तो उससे शांति का अनुभव होता है, इस वजह से यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। कस्बा बनत के अलावा आसपास के गांव के लोग भी इस वृक्ष पर जलाभिषेक करने के लिए पधारेंगे। अरविंद ने बताया कि इस पेड़ का पहला रुद्राक्ष पंचमुखी आया था, जो गांव के ही प्रणपाल पुत्र साधुराम को दिया गया था। भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हुए प्रणपाल ने यह रुद्राक्ष अपने पुत्र के गले में धारण करा रखा है। बहुत शांति मिले जो ये रुद्राक्ष का पेड़ है, इसके लिए तो लोग तरसे, हमारे यहाँ यू भगवान ने खुद ही दे दिया, उसी की कृपा है जो यहाँ से उत्पन्न हुआ और इसका लाभ उठा रहे हम पूजा में। एक साल पहला सबसे पहला रुद्राक्ष जो है मुझे ही भेंट हुआ था, वो मैंने अपने बच्चे को पहना दिया। यहाँ इसका रुद्राक्ष के पेड़ का महत्व है ज़्यादा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, नज़दीक की बात है। वैसे दूर दूर के बाहर के जो श्रद्धालु आदमी है वो तो 100 किलोमीटर से भी आते। शिवरात्रि के अवसर पर सभी धर्म प्रेमी आस पड़ोस के यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं, रात में भी दिन में भी दीवे से गंगा जल से नहलाते हैं। मैं तो जब से हो संभाला बस भगवान शंकर की नाम में और भक्ति में रहा, और जब से लगन लगी थी कि रुद्राक्ष का पेड़ इन्हीं का है और वो लगाना चाहिए, इसकी पूजा करने से बहुत मतलब मन की शांति और ज्ञान की वृद्धि, सब कुछ समझ में आना, ये समझ लोगे सब कुछ जब इनमें निकल गए, इनकी भक्ति में, इनके इसमें नाम में चले गए, तो बस हर चीज़ का अनुभव और सबसे बड़ी मन की शांति। हापुड़ से आ रही थी 3 औरतें और करनाल से आ रहे थे 1 लेडीज 1 जेंट्स, वो मैं तो था नहीं यहाँ, मुझे बताया बच्चों ने कि वो पूरी दोपहर यहीं नी के नीचे बैठे और उन्हें बहुत शांति आराम मिला। पावर है बहुत, मतलब मन की शांति, रुद्राक्ष कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, भगवान शिव का है। जब से लगे यहाँ माहौल बदलता जान लग रहा, हर चीज़ का, आने जाने वालों का, मन का, मतलब हमारा भी और यहाँ का भी। धीरे धीरे चेष्टा ये है जी कि 111 दिए मंगाएं, 111 दिए मतलब एक दिवाली जैसी रात होए घर जगमगाना और पूरी तरह से इनका फल फ्रूट एक भगवान शंकर का पूरी तरह से एक स्वागत, एक आने का स्वागत। मोहल्ला बरखंडी स्थित एक बाग में 3 बंदर संदिग्ध अवस्था में मरे हुए पाए जाने पर क्षेत्र के लोगों में रोष फैल गया। मोहल्लेवासी जहां बंदरों की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हैं, वहीं बाघ के चौकीदार का कहना है कि कुत्तों के नोचने पर 2 बंदरों की मौत हुई है। मोहल्ला बरखंडी निवासी नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी के बाग में 3 बंदर संदिग्ध अवस्था में मरे हुए पाए गए। जैसे ही यह सूचना मोहल्ला बरखंडी के लोगों को लगी तो काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने इस बात को लेकर भारी रोष जताया। मोहल्लेवासियों का कहना था कि बंदरों की हत्या की गई है। मोहल्ला बूढ़ा बाबू निवासी नसीम ठेकेदार व गुलजार मंसूरी, जो बंदरों की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि 3 बंदरों की हत्या की गई है, जबकि कुछ लोगों ने बंदरों की हत्या के लिए बाघ ठेकेदार पर ही संदेह जताया। दूसरी ओर बाघ के चौकीदार आनंद ने 2 बंदरों की मौत की बात स्वीकारते हुए कहा कि कुत्तों के नोचने से बंदरों की मौत हुई है।
मोहल्ले वासियों का कहना है कि बाघ के मालिक के मौके पर न होने के कारण दोनों बंदरों के शव गत शाम तक ही बाघ में पड़े है, जहां कुत्तों ने उनके शवों को नोचकर बुरी तरह नष्ट कर दिया। मोहल्ले वासी बंदरों की मौत से बेहद दुखी है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। कल जजर पंखे बाग में कुछ लोगों ने बंदर मारे हैं, तीन बंदर, उनसे लठों से मारे जो पेड़ पे चढ़ रहे थे, कुछ वहीं के हैंगे महल्ले के, तो उन्होंने बंदरों से लठ से मार के आने के उनको मार डाले, आने के बंदर मारे, हमें भी बहुत दुख हुआ। हम तो चाहते हैं जो पशुओं को मारा है उनका कुछ इलाज होना चाहिए, कि उनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कल पेड़ पे तीन बंदर चढ़ रहे थे जी, और वहाँ पे एक बाघ नौकर है, उसने वे बंदर मार दिए और उसके खिलाफ जो है महल्ले में आदमी इकट्ठे हो गए। ये बंदर किसी को तंग तो करते नहीं जी, वहाँ पे तो जो है 100-150 बंदर बैठे रहते हैं और लोग आते जाते हैं, किसी को परेशान नहीं करते ना किसी को छेड़ते, आदमी आते हैं जाते हैं। तो इन्होंने कुछ पता नहीं किस लिए मारा, क्या रंजिश थी बंदरों से, बंदर वहाँ किसी को कुछ नहीं कहते, हम उन्हें उसी मेले का हैं, आज तक के बंदरों ने किसी को काटा तक नहीं उनका। लड़का है आनंद बाग में, वो जो है कुछ ठेकेदार जो है वे पेड़े लेना चाह रहे हैं वहाँ के, इसलिए इसने बंदरों को मार दिए। आनंद, क्या बात हुई थी यहाँ से? वो ऐसा हुआ, बंदर थे तो हैं बाग में तो 6-7 कुत्ते शहर में आए, तो उन्होंने बंदरों पर हमला करा, बाकी बंदर तो चढ़ गए ऊपर पेड़ों पर, तो मैं दो बंदर उन्हें नीचे फंस गए, तो उन्हें पड़ गए बंदरों ने। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।